बीते सालों में देश के अधिकांश राज्यों में अपनी व्यापक पहुंच और सत्ता हासिल कहने के बावजूद भाजपा के लिए तीन राज्य सबसे मुश्किल बने हुए हैं। इनमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। इन तीनों राज्य के समीकरण भाजपा के अनुरूप नहीं बैठ पा रहे हैं और उसके केंद्रीय नेतृत्व की भी भीड़ स्वीकार्यता इन राज्यों में नहीं बन पा रही है। इन राज्यों के लिए पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर नई रणनीति बना रही है ताकि आने वाले सालों में यहां पर अपनी जड़ें मजबूत की जा सकें। भाजपा ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अपना व्यापक प्रसार किया है। उसने पूर्वोत्तर के राज्यों से तो कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरह बेदखल कर दिया और अधिकांश राज्यों में वह खुद या उसके सहयोगी सत्ता में है। पहले पीडीपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल की और अब अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बने दोनों केंद्रीय शासित प्रदेशों में वह लगातार मजबूत भी हो रही है। तेलंगाना में भी पार्टी काफ़ी तेजी से अपनी जड़ें जमा रही है। केरल में सत्ता के समीकरण उसके पक्ष में ना होने के बावजूद भी वह संगठन के तौर पर अपनी स्थिति कमज़ोर नहीं होने दे रही है। आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर उसके केंद्रीय नेतृत्व का जादू नहीं चल पा रहा है। राज्य इकाई भी अन्य दलों की तुलना में काफ़ी पीछे है। द्रविड़ राजनीति के गढ़ तमिलनाडु में भाजपा के कई प्रयोग और कई तरह के बदलाव उसे राज्य की मुख्य धारा की राजनीति में नहीं ला पाए हैं। अभी भी वह किसी न किसी एक प्रमुख द्रविड़ दल के भरोसे ही चल पा रही है। हालांकि पार्टी ने वहां पर नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।